बाजार से भी बेहतर और खस्ता नमक पारे बनाएंगे घर पे, वो भी गेहूं के आटे से, और इतने मजे के बनते हैं फ्रेंड्स कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या रखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके लिए एक बड़े से परात में मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा, वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये है 1.5 कप। साथ ही ये देखिए मैं क्या ले रही हूँ, 1/2 कप मैंने ली है सूजी, बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी हम इसको मिक्सी में चलाने वाले हैं। इससे क्या होगा, इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको एकदम पाउडर करके रख दिया है, इसको साइड में रख देंगे और दूसरी तैयारी करेंगे हम। यहाँ पर मैंने लिया है हमाम दस्ता, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों चीज़ों को ना ऐसे हल्का सा क्रश क्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है, तरह तरह कुटा हुआ जो फ्लेवर जब मुँह में आता है ना फ्राइंग होने के बाद, वाह क्या कहना उसका, तो मज़ा ही आ जाता है। तो जीरा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो यहीं पे ज़्यादा डाल दीजिए। ये दोनों तैयारी हमारी हो गई, चलिए आटा देख लेते हैं। आटे में मैं डाल दूंगी ये बारीक की हुई सूजी। इससे क्या होगा, जो हमारे नमक पारे ज़्यादा समय तक क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि सिर्फ आप गेहूं के आटे से बनाएंगे ना तो ज़्यादा समय तक वो क्रंची नहीं रहते। साथ ही हम डाल देंगे जीरा और अजवाइन जो दरदरा कूटा था, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ये देखिए मैं डाल रही हूँ कलौंजी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं पसंद है कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ तिल, इसका ना हल्का हल्का बाइट आता है और फ्लेवर आता है, तो अगर आपको पसंद हो तो डाल दीजिए, वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं। साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी, इसका हल्का सा कलर आ जाएगा और गोल्डन ब्राउन होने में हमको हेल्प हो जाएगी, लेकिन आपको चाहिए तो इसको ज़्यादा मत डालिएगा, स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक। तो ये हमारी सारी ड्राई चीज़ें हो गई है, अब पारी आती है इसमें मोइन डालने के लिए। तो मोइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी, हल्का पिघला हुआ घी है, आप चाहें तो इसके बदले ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे टोटल आटा हमने यूज़ किया है 2 कप, तो उसके हिसाब से 4 टेबलस्पून जितना नॉर्मली घी लग जाता है, लेकिन हम आगे भी घी की लेयरिंग करने वाले के ऊपर है। ये देखिए अपने मुट्ठी में ऐसे बंध रहा है, मोइन बराबर है। फिर मैं डालूंगी पानी, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे, नॉर्मली हम जैसे गूंथते हैं आटा, बट बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। ये देखिए आटा सेट हो गया है, गूंथ लिया हमने। इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 1/2 घंटे के लिए, जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, मैदा ना हो तो आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। अच्छा यहाँ पे मेरे से क्या गलती होगी, जो मेरा घी है ना एकदम मेल्टेड नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया, लेकिन मिक्स मिक्स करने के बाद मेल्ट हो गया, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, इसमें ऑयल नहीं तो मेल्टेड घी यूज़ कीजिएगा, ताकि अब जो पेस्ट हम बना रहे हैं ना, ये देखिए सब मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट हमको तैयार करना है ग्लू जैसा, जो कि इन सारे लेयर्स को अच्छे से चिपकाएगा। और फ्रेंड्स कोशिश करके यहाँ पे आटा मत यूज़ कीजिएगा ग्लू करने के लिए, क्योंकि पहले से ही हमने आटे से बनाया है पूरा, तो यहाँ पे आपको चावल का आटा, मैदा नहीं तो कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करना है, तो आपकी जो लेयर्स हैं अच्छे से खुलेंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया, थोड़ा सा आपको चाहिए तो और गूंथ लीजिए। इसका एक बड़ा सा पोर्शन निकालेंगे, अच्छे से लोई बना लीजिए। तो मैं इसकी बड़ी शीट बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं किचन काउंटर में ही बना रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा नीचे लगा देंगे और इसको लंबी सी शीट बना लेंगे, मतलब रोल कर लेंगे, नॉर्मली हम जैसे चपाती वगैरह के लिए रोल करते हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि एकदम राउंड होना चाहिए, मैं थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ क्योंकि पतला बेलना है, तो मैं थोड़ा इस तरह से फैलाते जा रही हूँ। तो इसमें जो है ना अब लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं अब आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, बड़ी सी शीट हमने बना ली, ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया था सब तरफ से, पूरे में ऐसे लगा लीजिए। और अब लेयरिंग के लिए देखिए इसका जो आधा वाला हिस्सा है वो इस तरफ लगा देंगे और इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ लगा देंगे। फिलहाल हमने बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं किया है। और फिर इसके ऊपर भी ये ग्लू लगा लेंगे, अच्छे से लगा दिया। और अब ये देखिए क्या करें, ऊपर का हिस्सा इस तरफ बीच की तरफ, मतलब इसे स्क्वायर जैसा बन जाएगा, और नीचे का जो हिस्सा इसके ऊपर कम्प्लीटली ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लेयर्स बनेंगे, इसी लेयर्स की वजह से आपका जो नमक पारा एकदम क्रिस्पी होगा और खुलेगा तेल में।
और फिर इसके बाद बस ऐसे लंबा इसको बेलते जाएंगे। ऐसे लंबा बेल दिया और जो पहला वाला हमने पार्ट किया था ना उसको रिपीट करेंगे, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, और अब इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर देंगे। अब इसको ऐसे लंबे में बेलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब आप बेलेंगे तो इस चीज का एकदम ध्यान रखना है कि बहुत प्रेशर देके नहीं बेलना है। मैंने एक बार ऐसा कर दिया था तो उससे क्या होगा, सारे लेयर्स आपस में चिपक जाएंगे। एकदम हल्के हाथों से ऐसे लंबी पट्टी बना लीजिए। और फिर ये देखिए मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ स्ट्रिप्स में, आप चाहे तो स्क्वायर्स में भी कर सकते। पारे नहीं बनाने तो सिंपली आप बड़ी सी रोटी बना लीजिए, इसकी पट्टियाँ काट के तल लीजिए। कुछ लोग इसे सलोनी भी कहते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और फिर उसको चार हिस्से में कट करके तल दीजिए, नॉर्मली जिसे खस्ता कहा जाता है। और फिर आप उससे बना सकते हैं रायपुर की फेमस खस्ता चाट। अच्छा, अगर आप रायपुर की फेमस खस्ता चाट का वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो सारे स्ट्रिप्स रेडी हो गए। यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे जितना एक बार में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो सकता है। तेल मीडियम हाई फ्लेम पे ही है, एकदम लो बिल्कुल नहीं है। और अगर फ्रेंड्स आपको एक एक करके नहीं डालना है तो बहुत सारे एक साथ झारे में डाल दीजिए और फिर आप तेल में छोड़ सकते हैं। तो बस इनको फ्राई करते जाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे अंदर तक ये पकते जाएंगे, कच्चे से नहीं लगेंगे, सिकते जाएंगे अंदर और जो लेयर्स है ना धीरे धीरे खुलते जाएंगे। और फ्रेंड्स मसालों में आप इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, हींग, पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं आटे में, अगर आपको फ्लेवरिंग के लिए ज़्यादा चाहिए तो। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं, धीरे धीरे लेयर्स खुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मुझे ये बताना है कि आपका कौन सा फेवरेट है, नमक पारा या फिर शक्कर पारा। वैसे नमक पारा तो मैंने काफ़ी सारे बनाए मेरे चैनल में, आप चेक कर सकते हैं। ये जो नमक पारा है वो मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन सा टिप सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, बस इनको निकाल देंगे क्योंकि निकालने के बाद भी थोड़े से ये डार्क हो जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खस्ता, मेरा फेवरेट कलर आया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलता है। ये देखिए सारे इस तरह से निकाल देंगे। और फ्रेंड्स क्योंकि ये थोड़े से गर्म है ना तो ठंडे होने के बाद और ज़्यादा सेट हो जाएंगे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबको निकाल के ऐसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, तब तक ये बढ़िया सी मसाला चाय तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में मैं गरम कर रही हूँ 3 कप पानी। पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक इमाम दस्ते में मैं कूट रही हूँ थोड़े से अदरक के टुकड़े और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची और लौंग भी। इसको भी अच्छे से कूट लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्ची वो सब भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो। मैं यहाँ पे बेसिक फ्लेवर्स डाल रही हूँ। पानी गरम हो गया है, ये मसाला इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। ये देखिए कितना फ्लेवर बढ़िया सा छूट गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप दूध और इसको भी करने देंगे 2 मिनट के लिए। अब बारी आती है डालने की 2 से 3 टीस्पून शुगर, आप चाहे तो इसके बदले मिश्री भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून चाय पत्ती, इसको भी अच्छे से करने देंगे और लगातार करने देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से रस बस जाए चाय में। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, परफेक्ट मसाला चाय हमारी घर पे रेडी हो गई है। इसको छान लेंगे इस केटली में। तो चलिए नमक पारा भी चेक कर लेते हैं। तो इसको ठंडा होने के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, ये 1 महीने तक के अच्छे रहते हैं। लेकिन बचते कहाँ हैं, तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ।
बहुत ही ज्यादा खस्ता, बिल्कुल मुंह में टूट जाने वाले। तो ऐसे नमक पारा बनेंगे तो चाय बनाने का तो मन जरूरी होगा, तो इसको एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म इस मसाला चाय के साथ। बहुत मजे की रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कम तेल में एकदम स्वादिष्ट पोहा चिवड़ा देखना है जो कि आप 1 मंथ स्टोर करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं।